हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज फर्स्ट, देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज एंड इफ द ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय बी देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स। एक पहले एग्जांपल लेकर समझेंगे। समझो कि विलेज में कितने ट्रीज हैं। 5 ट्रीज स्टार्टिंग में, हर साल 2 ट्री, एवरी ईयर 2 ट्रीज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हर साल 2 ट्रीज इंक्रीज होते हैं तो 4 ईयर्स में कितने इंक्रीज होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 ट्रीज। एक साल में 2, 2 साल में 4, 3 साल में 6, तो 4 साल में कितने इंक्रीज होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8, और स्टार्टिंग में कितने थे 5। तो टोटल ट्रीज क्या होंगे स्टूडेंट्स, टोटल ट्रीज हो जाएंगे 5 + 8 दैट इज 13। सो प्रॉब्लम इज सेम बट ए बी और एक्स की टर्म्स में। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज स्टार्टिंग में कितने हैं, ए, जैसे यहां मैंने 5 लिखा, यहां पर स्टार्टिंग में कितने हैं, ए ट्रीज। Now every year trees increases, कितने increase होते हैं, B trees हर साल बढ़ जाते हैं। अगर एक साल में B trees बढ़ते हैं तो X years में कितने होंगे, B into X that is BX trees, ये increase हो जाएंगे। तो टोटल ट्रीज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल ट्रीज हो जाएंगे स्टार्टिंग में ए और इंक्रीज हो गए बी एक्स। तो ए प्लस बी एक्स इज़ द आंसर, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म्स है। सो दिस इज द आंसर। सो फॉर परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में वाई स्टूडेंट्स हैं, और ऐसी कितनी रोज हैं, एक्स रोज। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। अब ये एक्स और वाई अगेन कंफ्यूजिंग, तो वाई की जगह मैं 4 ले लेती हूँ, एक्स के प्लेस पर मैं 5 ले लेती हूँ। तो क्या है, फॉर अ परेड देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड, और कितनी टोटल रोज कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी रोज दी हुई है, 5 रोज। और एक रो में फॉर परेड देयर आर 4 स्टूडेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देयर आर 5 सच रोज। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। अब अगर 1 रो में 4 स्टूडेंट्स, तो 5 रोज में सिंपल यूनिटरी मेथड, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20 स्टूडेंट्स। सो सेम हेयर बट एक्स और वाई दिया है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 रो वाई स्टूडेंट्स, ओके, 4 की जगह 5 आ गया, वाई आ गया, देयर फोर एक्स रोज, तो 5 की जगह एक्स है, एक्स रोज में कितने होंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई दैट इज एक्स वाई स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। सो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर्स है जिसमें टेंस एंड यूनिट प्लेस दिया है एम एंड यूनिट प्लेस इज एन। नाउ वी हैव टू राइट द पॉलीनोमियल विच रिप्रेजेंट टू डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स पॉलीनोमियल से पहले मैं एक सिंपल नंबर पूछूंगी। अभी पॉलीनोमियल देखकर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये हमारे लिए नया नहीं है। Can you write 27? How you will write 27 in expanded form? So, जो tens place पर है उसको ten से multiply, जो unit place पर है उसको unit से multiply. तो कितना हो जाएगा 20 + 7 that is 27. किया है ना हमने, second third standard से हम expanded form करते आ रहे हैं, same we have to use here. Now see, tens place, units place, tens place पर m and unit place पर n. तो therefore what is the number, two digit number, क्या हो जाएगा, two digit number,
ये हो जाएगा 10 इंटू एम, जो 10 प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 इंटू एन, सो नंबर हो जाएगा 10m प्लस n. सिंस दे आर अनलाइक टर्म्स वी कैनॉट एड. कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन रेफर टू दिस एग्जाम्पल. ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू एड. प्लस करना है, प्लस करने में कोई टेंशन नहीं है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया. तो क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं इनको एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन. प्लस के केस में नो नीड टू यूज़ ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज़ नहीं किया तो भी चलता है क्योंकि प्लस वाले केस में साइन चेंज नहीं होते. तो ये लिख दिया हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड. तो कैसे ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइक टर्म्स जो टर्म्स एक जैसी हैं एक्स क्यूब फाइव एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स क्यूब, देन टू एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ कोई भी दूसरी लाइक टर्म नहीं है. देन वी विल राइट हेयर टू एक्स, इधर तो टू एक्स की टर्म नहीं है तो अब हम ये लिख देंगे एंड लास्ट में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है चिल्ड्रन, पहले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखो, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट. तो मैंने ऐसे ही लिखा, एक्स क्यूब की दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर तो अकेला है बेचारा, टू एक्स भी अकेला है और फिर माइनस नाइन एंड नाइन. तो जैसा हमें पता है कि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक्स क्यूब है मतलब इसके आगे क्या है, वन, तो वन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स क्यूब ये हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब. ये अकेला एज इट इज़, ये भी अकेला एज इट इज़ एंड माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ अवर आंसर. अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट इज माइनस सेवन एम फोर प्लस फाइव एम क्यूब प्लस रूट टू, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और साथ ही मैं सेकेंड पॉलिनोमियल लिख देती हूँ क्योंकि मैंने बताया एडिशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साइन चेंज नहीं करते तो एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल, टर्म्स को ध्यान में रखना है कितनी टर्म्स हैं क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है टर्म्स हम भूल जाते हैं. तो पहले वाले में तीन टर्म्स हैं यहाँ पर वन टू थ्री एंड सेकेंड वाले में वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल एट टर्म्स होनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं अभी लाइक टर्म्स. सबसे पहले फोर जिसकी पावर फोर है, दोनों को एक साथ लिख देंगे m टू दी पावर फोर, m टू दी पावर फोर, ये लाइक टर्म्स हो गई. ओके अब क्यूब वाला देखेंगे तो प्लस फाइव एम क्यूब माइनस थ्री एम क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. उसके बाद स्क्वायर वाला इधर, इधर है स्क्वायर वाला. अब हम क्या करेंगे, टू एम स्क्वायर इसमें तो है नहीं तो टू एम स्क्वायर अकेला है बेचारे को लिख देंगे अकेला ही. अब ऐसे ही थ्री एम, इधर m वाली टर्म भी नहीं है 3m, और लास्ट में हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज प्लस रूट टू माइनस सिक्स. तो पैटर्न समझ में आया, पहले पावर 4 जो भी रहेंगी दोनों में, पावर 4 के बाद पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2, जैसे 2 इसमें नहीं है तो इसमें है वो लिख देंगे, देन पावर 1, पावर 1 वाला भी पहले पॉलिनोमियल में नहीं है तो दूसरे वाले का लिख देंगे एंड देन कांस्टेंट. तो अब प्लस माइनस करते हैं, माइनस का 7 इन दोनों का, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले नंबर का, ये तो अकेला है लिख दो, ये भी अकेला, और रूट टू माइनस सिक्स इनमें एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि एक रूट में है और एक विदाउट रूट. नाउ दिस इज द आंसर चिल्ड्रन, क्योंकि ये अब सभी अनलाइक टर्म्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑल आर अनलाइक टर्म्स, सो दिस इज आवर आंसर. अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट इसका, बट थर्ड पार्ट में दो की जगह तीन पॉलिनोमियल्स हैं तो वो लिखते हैं. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस फाइव,
सेकेंड पॉलिनोमियल इज 3y + 9 एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 3y² - 4y - 3। तो ये तीन पॉलिनोमियल्स हैं, मैंने तीनों पॉलिनोमियल्स को लिख दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। सो 2y² एंड 3y² दोनों को एक साथ लाइक टर्म्स। अब हम लिखेंगे y वाली टर्म्स, 7y + 3y - 4y एंड लास्ट में लिख देंगे कांस्टेंट। सो +5 + 9 - 3। एक बार काउंट कर लेते हैं, हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। 3 और ये 2, 5 और ये 3, टोटल 8 टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, चलो अब हम एडिशन करेंगे। 2 + 3 = 5y² यहाँ 3 टर्म्स हैं। 7 + 3 = 10 10 - 4 = 6y 5 + 3 = 14 एंड 14 - 3 = 11। अब ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, सो दिस इज द आंसर। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज होते हैं। तो क्या है थर्ड क्वेश्चन? सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? नाउ इन दिस चिल्ड्रन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ब्रैकेट। ब्रैकेट यूज़ करना माइनस वाले में बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं चलेगी। सो क्या करना है यहाँ पर? पहले वाले ब्रैकेट की कोई टेंशन नहीं एज इट इज़, बट अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले साइन सब चेंज। अब ये माइनस का है ना, ये प्लस का, ये प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस। तो ये मेन थिंग है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो उससे बच के रहना है, क्योंकि साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब ब्रैकेट तो ओपन हो गए, अब क्या करेंगे? सेम जैसा एडिशन में किया था लाइक टर्म, -7x² लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे। देन माइनस का 9x प्लस का 19x इन दोनों को एक साथ लाएंगे एंड देन कांस्टेंट टर्म √3 एंड -√3। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर? x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो 1 - 7 + -, साइन बड़े वाले का तो -6x² प्लस माइनस माइनस ही करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो दिस इज आवर आंसर। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी हमें सेकेंड पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट। तो पहले वाला विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, बट माइनस करना है किसे? सेकेंड वाले को। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया स्टार्टिंग में, गलत एंड 0 marks। सो ब्रैकेट वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, कुछ भी करने से पहले ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे इनके साइंस हो जाएंगे चेंज। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे। सो 2ab² ये भी नहीं, ये प्लस 8ab² लाइक टर्म्स ढूंढ कर एक साथ लेकर आने हैं। नेक्स्ट है 3a² एंड -2a² नाउ -4ab - 3ab 6 टर्म्स हैं और यहाँ पर भी हमारी 6 टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स एक साथ आ चुकी है, +2 + 8 = 10 +++ साइन भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस
साइन बड़े वाले का तो प्लस वन ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो ये हो गया माइनस सेवन ए बी। सो ये सभी अनलाइक टर्म्स है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो मल्टीप्लीकेशन का है फोर्थ क्वेश्चन, और बेसिक्स मल्टीप्लीकेशन के स्टूडेंट्स मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो 2x को मल्टीप्लाई करना है पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 2x की मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर के साथ, माइनस है तो माइनस ही आएगा, 2x की मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ, अगेन माइनस साइन, एंड 2x की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। मल्टीप्लाई करते टाइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन अलग, और ये जो वेरिएबल्स है इनकी मल्टीप्लीकेशन अलग। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा रूल नहीं है कि लाइक टर्म्स को ही हम जैसे ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई हम किसी को भी कर सकते हैं। सिर्फ इंडाइसिस के रूल्स याद रखने हैं, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, सेम बेस में पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। 2 और 2 पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और x मल्टीप्लाई बाय x कितना 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, सो ये हो जाएगा 2x। नाउ तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, दिस इज द आंसर, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर, x टू दी पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। अब इधर फर्स्ट पॉलीनोमियल में सिंगल टर्म थी इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई, बट यहाँ पर कितनी टर्म्स है, दो। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, पहले x टू दी पावर 5 लेंगे और दूसरा पॉलीनोमियल मतलब कंप्लीट ब्रैकेट, इसके बाद हम माइनस 1 लेंगे एंड देन अगेन कंप्लीट ब्रैकेट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ किया 2x की फर्स्ट टर्म से 2x की सेकेंड 2x की थर्ड, तो यहाँ पर x टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, x टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, x टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव साइन थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट ध्यान में रहे यहाँ हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। माइनस साइन का ध्यान रखना है, और एक बार बेसिक फिर से बता देती हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, दो बार माइनस रहेंगे तो प्लस, लेकिन एक बार माइनस एक बार प्लस तो आंसर नेगेटिव में आएगा, बड़ा या छोटा नंबर नहीं देखना। तो अब बोलो यहाँ पर पावर्स ऐड होंगी, 5 प्लस 3 8, ये 2 अकेला नंबर है बेचारा, लिख दो इसको 5 एंड स्क्वायर, 5 प्लस 2 ऐड होकर 7, यहाँ पर 2 x टू दी पावर 5 x क्यूब, 1 लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स हैं बट सभी अनलाइक टर्म्स हैं, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट पर आते हैं हम, थर्ड पार्ट इज देर आर टू पॉलीनोमियल्स, दो पॉलीनोमियल्स दिए हुए हमें, फर्स्ट वन इज 2y प्लस 1, सेकेंड वन इज y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। मल्टीप्लाई सेम करेंगे अभी जैसे हमने सेकेंड पार्ट में किया था, पहले लिखेंगे 2y एंड देन होल ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे प्लस 1 अगेन दिस कंप्लीट ब्रैकेट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y को y स्क्वायर से, 2y को 2y क्यूब से, 2y को 3y से,
सिमिलरली यहाँ तो 1 है और वो भी प्लस का 1, सो 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इधर देखो ध्यान से, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस बड़ा छोटा नहीं देखना, माइनस आएगा तो प्लस 1, ये प्लस का 1 ये माइनस, तो साइन कौन सा, यहाँ पर गलती होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस साइन लगाएं या माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, प्लस प्लस प्लस। तो सॉल्व करते हैं नंबर 2, वाई की पावर 1 वाई की पावर 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, y की पावर 3, 2 टू जार 4, 1 है यहाँ पर 3 है तो y टू दी पावर 4, 2 थ्री जार 6, y y 1 1 मिलकर 2, 1 y स्क्वायर 2 y क्यूब प्लस 3 y। अब हम देखेंगे कोई लाइक टर्म, और एक बात, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे माइनस 4 वाई टू दी पावर 4, और तो कोई टर्म नहीं है। अब हम लिखेंगे वाई क्यूब वाला, एक ये टर्म है एक ये है, ये हो गई ये भी हो गई। अब हम आते हैं स्क्वायर पर, 6 वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी हो गई, तो अब रह क्या गया 3 वाई, सो ये हो जाएगा माइनस 4 वाई टू दी पावर 4 प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब कैंसिल, 6 प्लस 1 दैट इज 7y स्क्वायर प्लस 3y, दिस इज़ द आंसर। क्योंकि तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकेंड। डिवाइड करने से पहले फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट पॉलिनोमियल शुड बी इन इंडेक्स फॉर्म, मीन्स जो मिसिंग टर्म है वो लिखना, लाइक एक्स क्यूब, वेयर इज एक्स स्क्वायर, मिसिंग, सो 0 एक्स स्क्वायर, अगेन द टर्म एक्स विद एक्स इज मिसिंग सो 0 एक्स, एंड देन कॉन्स्टेंट। सो अगर डिग्री 3 है, पावर हाइएस्ट पावर 3 है, तो टर्म्स 4 होनी चाहिए, 2 1 देन कॉन्स्टेंट, तो ये सब लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। नाउ अब हमें इसे डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस 4 से। सो डिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, कैसे करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म बस अपने माइंड में रखनी है कि हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो कैसे आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को फर्स्ट टर्म एक्स से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 4 फोर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर। डिवाइड में स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी। नाउ ये 0 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतार देंगे 0 एक्स माइनस 64। अब हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर हमें एक्स क्यूब चाहिए था, अब हमें क्या चाहिए 4 एक्स स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे सेम प्रोसीजर, 4 एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से, तो ये आ गया 4x, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 4x। अब ये 4x को हमें पूरे ब्रैकेट x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे 4x इंटू x माइनस 4x इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x, यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर, सॉरी नाउ डिवाइड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, तो ये माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, फर्स्ट टर्म्स कैंसिल, 0x प्लस 16x कितना 16x, ऊपर से उतारा 64। अब हमें फर्स्ट टर्म लेकर आनी है 16x,
तो 16x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, 16x आ जाए, तो सेम प्रोसीजर 16x को डिवाइड करेंगे x से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये हो गया 16, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x माइनस 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 64 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, आंसर इज 0। बट हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड को लिखना है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो नीचे आता है दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस वन इज क्वेश्चन, दिस वन इज डिवाइजर एंड द मिडिल वन इज डिविडेंड। सो हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड x क्यूब माइनस 64। डिविडेंड को किसके इक्वल लिखेंगे, डिवाइजर x माइनस 4 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हेयर इज 0। सेकेंड पार्ट लेते हैं फिफ्थ का, अगेन वी हैव टू डिवाइड, हाईएस्ट पावर इज 5, तो स्टूडेंट्स इसमें टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स है, मतलब एक टर्म क्या है, मिसिंग, तो हमें तो इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और जो भी टर्म्स मिसिंग है वो तो लिखना ही पड़ेगा। सो 5x टू दी पावर 5, 4x टू दी पावर 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0x प्लस 2। अब हमें इसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, स्टेप बाय स्टेप देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। इधर पहली टर्म हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, 5x टू दी पावर 5 चाहिए, तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x टू दी पावर 5 आ जाए, समझ में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आता तो डिवाइड कर लेंगे, ओके, 5 तो एज इट इज़ रहेगा, ये कैंसिल होकर आ जाएगा एक्स क्यूब, मतलब 5x क्यूब से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर कैसे आएगा, वो भी डायरेक्ट करना आता है कई स्टूडेंट्स को, ठीक है, गलती ना हो तो ऐसा करो, 5x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो 5 क्यूब और ये 2 है, तुम्हें पता है ना पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर्स ऐड होती है चिल्ड्रन, सो 3 प्लस 2 5 आएगा यहाँ पर, ये गलती मत करना, ऐसे ही 3 और 1, यहाँ पर 4 आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर -5x टू दी पावर 4। तुम्हें पता है साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमेशा कैंसिल होती है, +4 +5, ये हो जाएगा 9x टू दी पावर 4, ऊपर से उतारेंगे इन सभी टर्म्स को, एक साथ उतार लेते हैं, 0x प्लस 2। अब वापस फर्स्ट टर्म है 9x टू दी पावर 4, तो हमें 9x टू दी पावर 4 चाहिए, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x टू दी पावर 4 आ जाए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, ये हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 और ये 9x क्यूब, तो लिख देंगे यहाँ पर 9x टू दी पावर 4, 9x क्यूब, साइन चेंज, माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 9 है, ये माइनस 3 है, प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो प्लस, ऊपर की टर्म्स एज इट इज़ उतार देनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 6x क्यूब किससे मल्टीप्लाई करने पर, एक्स स्क्वायर से, ये कैंसिल 6x, तो यहाँ लिख देंगे +6x, ये हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं आता है हमें मल्टीप्लाई, 6x को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, सो एक्स और ये स्क्वायर पावर्स ऐड होंगी, 1 1, यहाँ पर भी पावर्स ऐड, तो लिख देंगे 6x क्यूब, 6x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, +2 +6 +8, 0x
प्लस टू। अब हमें 8x² चाहिए, तो 8x² को x² से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 8, तो प्लस 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से, सो 8x² माइनस 8x माइनस प्लस, ये कैंसिल, 8x प्लस 2, दिस इज़ रिमाइंडर। इसके आगे तो अब हम नहीं कर सकते, सो अब हमें लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर डिविडेंड, ये डिविडेंड लिख दिया, इक्वल्स टू डिवाइज़र कितना है x² माइनस x, इसको बोलते हैं ना डिवाइज़र, क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन है, तो लिख देंगे 5x³ 9x² 6x प्लस 8, और इसके आगे हमें क्या लिखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है हमारा 8x प्लस 2, सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है उसको इजी फॉर्म में लेती हूँ। पहले मैं वेरिएबल्स एक्स वाई के प्लेस पर, ए बी के प्लेस पर, पहले मैं नंबर से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 8 और जिसकी ब्रेथ है 6। अब इसमें से हमने एक स्क्वायर प्लॉट को कट कर दिया जिसकी साइड है 2, तो कितना एरिया बाकी रह जाएगा, रिमेनिंग एरिया हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 8, मैं साइड में करती हूँ, इंटू 6, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें से हमने एक स्क्वायर कट कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया लेफ्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया, दैट इज पूरे रेक्टेंगल में से हम स्क्वायर के एरिए को माइनस कर देंगे, तो कितना ईजी है ये। अब जब इसी को हम ए बी की फॉर्म में करेंगे तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देयर इज़ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 2a² प्लस 3b² एंड ब्रेथ है a² प्लस b², इसमें से हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल कट कर दिया जिसकी साइड है a² माइनस b², तो ये रिमेनिंग एरिया कितना होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें निकालना है। सेम है बट यहाँ नंबर्स थे और यहाँ पर वेरिएबल्स, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब तुम सभी को मल्टीप्लाई करना आता है, सीखा है ना हमने, तो मल्टीप्लाई करो, 2a² लिखेंगे और ये पूरा ब्रैकेट, देन 3b² लिखेंगे और उसके साथ ये कंप्लीट ब्रैकेट। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2a² को a² से मल्टीप्लाई, देन 2a² को b² से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3b² को a² से मल्टीप्लाई, 3b² को b² से मल्टीप्लाई, सो ये हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, 2a⁴, 2 और 2 4, 2a² b² 3b² a² एंड 3b⁴। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो तो भी 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो तो भी 6 आएगा, तो a² b² लिखो या b² a², ये दोनों ही टर्म्स कैसी है, लाइक टर्म्स, तो ये हो जाएगा 5a² b² 3b⁴। तो क्या आ गया चिल्ड्रन, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरे बड़े वाले पार्ट का आ गया। अब इसमें से हमने क्या बाहर निकाला,
स्क्वायर. तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बी स्क्वायर को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई. अब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर फोर. ए टू दी पावर फोर ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू दी पावर फोर. सो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो अब मैं यहाँ पर ये रब करती हूँ और मैं निकालती हूँ रिमेनिंग एरिया. सो देयरफॉर रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. अब रेक्टेंगल का एरिया ये लिख देंगे 2 ए टू दी पावर 4, 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 बी टू दी पावर 4. इसमें से माइनस करना, और मैंने अभी बताया था जब भी हम माइनस करते हैं तो ब्रैकेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. तो माइनस ए टू दी पावर 4 ये प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी टू दी पावर फोर. अब लाइक टर्म्स एक साथ लेकर आओ, टू ए टू दी पावर फोर माइनस ए टू दी पावर फोर, देन फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी टू दी पावर फोर माइनस बी टू दी पावर फोर. सो ये हो गया वन ए टू दी पावर फोर, सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू बी टू दी पावर फोर. दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज एरिया रिमेनिंग.